हेलो फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, न्यू क्रंच वीडियो के साथ आई हूँ। ये वाला ब्लॉग मेरी हर एक वीडियो के आगे होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़े टाइम से एक्टिव नहीं थी क्योंकि कोई रीज़न था और मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस वजह से। पर नाउ अभी चीज़ें ट्रैक पे हैं और चीज़ें ठीक हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी मैं वीडियो लाऊं, ठीक है? तो मैं आपको टाइमिंग के लिए बता दूं कि इसी चैनल पे, मेरे ये वाले चैनल पे ही, स्वलुक प्रेम 675, ये वाले चैनल पे मेरी रोज़ 3 बजे वीडियो आएंगे, ठीक है? और 3 से 3:30 के बीच में वो वीडियो आ जाएंगे, मैं कोशिश करूँगी। और मैंने ये जो पार्सल मंगवाया था, ये मैंने डिवास डिज़ायर मैम है, मैंने उनसे मंगवाया था। मेरे डिस्क्रिप्शन जिस पे मैंने पार्सल की वीडियो अपलोड की हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर भी मेंशन किया हुआ है, उन्होंने उनके चैनल का नाम भी मेंशन किया हुआ है। प्लीज़ मेरे प्राइस वगैरह का मुझे कोई भी आइडिया नहीं होता, तो आप उनसे बात कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है? और मेरे को यही कहना था, मेरा यही चैनल है, चैनल जो दूसरा था वो फ़िलहाल मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरे से अभी संभाला नहीं जा रहा है। मैं एक ही चीज़ नहीं संभाल पा रही, एक ही चैनल नहीं संभाल पा रही, दैट्स व्हाई। अभी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ 3 से 3:30 बजे के बीच में मेरी रोज़ न्यू वीडियो आए और न्यू ही वीडियो आएंगी, ठीक है? मैं स्लेट पेंसिल का बहुत कंप्लेंट करती हूँ, मैं क्लिपबोर्ड का ही क्रंच करती हूँ। और इसके आगे मतलब एक ना, अभी मेरे पास ब्लॉग का ना तो टाइम है और मैं नहीं जा पा रही अभी, कहीं भी कुछ कर ही नहीं पा रही। हाँ, मैं कभी जाऊंगी तो मैं वो अलग ब्लॉग बना लूँगी, एक ब्लैंक ही ब्लॉग होगा, ठीक है? सबसे आगे एक ब्लैंक मेरी ये वाली वीडियो होगी, फिर ब्लैंक एक ब्लॉग होगा, उसके बाद मेरी लास्ट में क्रंच की वीडियो आएगी, ठीक है? तो मैं क्रंच का टाइम भी मेंशन कर देती हूँ वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आगे मेरी ये वाली वीडियो है, फिर प्लान ब्लॉग होगा, फिर इसके बाद मेरी क्रंच की वीडियो आएगी। क्रंच की वीडियो अभी गर्मी की वजह से 7 या 8 मिनट की होगी, ज़्यादा बड़ी मैं रख नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी ये वाली वीडियो मेरी सही नहीं बन पा रही होगी, ऊपर से फैन की आवाज़ आ रही है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं वीडियो लाऊँ, रोज़ मेरी 3 से 3:30 बजे के बीच में न्यू वीडियो आएंगी। और मेरे जल्दी जल्दी 7K कंप्लीट करा दीजिए। 7K की सेलिब्रेशन पे मैंने एक मटकी मंगाई है, मैं उसका क्रंच करूँगी, बड़ी एक्साइटेड हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और एक बात मेरे को कहनी थी आपसे, मतलब मेरे पे कमेंट आया था कि आप ना टेस्ट, जो भी क्लेपॉट का जो भी टेस्ट होता है ना, वो भी बताया करो लास्ट में। तो ये मैं लिख दिया करूँगी क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाती हूँ, बहुत जल्दबाजी में, तो मैं वीडियो मतलब साथ साथ ना मेंशन करूँ तो नीचे लिख दिया करूँगी कि भाई अर्धी है, कैसा है, कैसा नहीं। पर इतना तो मुझे पता है कि इनके जितने भी क्लेपॉट होते हैं ना, वो ग्रेड फ्री होते हैं, इसी वजह से मैं वहाँ से लेती हूँ। सॉफ्ट होते हैं, इसी वजह से मैं लेती हूँ, क्योंकि हार्ड क्रंच मैं करती नहीं हूँ और ग्रेड टी तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, ठीक है? तो मैं लिख दिया करूँगी, एक दो वीडियो में पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी डाल दिया करूँगी, अदरवाइज मैं लिख दिया करूँगी, ठीक है? बाय, लव यू सो मच, बाय।
ये ब्लैक, मैं ब्लैक पेस्ट बनाऊंगी। तो मैं इसमें ले ली थोड़ा सा, और अब मैं इसके साथ ही क्रंच करूंगी, जो भी क्रंच करूंगी वो मिर्ची के साथ। मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से करके।
जो ब्लैक मैंने पेस्ट लिया था ना, वो ब्लैक का था और मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर। वैसे भी ब्लैक स्लेट पेंसिल मुझे पसंद है, ब्लैक कलर मतलब पसंद है ही। और क्ले पॉट के साथ इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, क्योंकि जो मेरे ये क्ले पॉट की रोटी थी ना, ये क्रंची थी, और उसमें जाके क्ले पॉट में जाके पेस्ट में जाके मतलब सॉफ्ट हो गई थी। टेस्ट बहुत अच्छा था, दोनों का मिक्स टेस्ट आ रहा था। ग्रेटी थी नहीं, अर्दी था, थोड़ा हल्का हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा था। तो टेस्ट ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे सीरियसली बहुत पसंद, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बाय।